Nice. ये देख लीजिए कैलाश शिवलिंग, बहुत छोटा सा है लेकिन पहाड़ पे कम से कम 8-10 फुट का शिवलिंग है। ये इस चोटी के बिल्कुल साथ में यहाँ पे बना है, बहुत कम दिख रहा होगा लेकिन मैं निशान से दिखा दूँगा। ये कैलाश शिवलिंग है और ये चोटी है यहाँ पे कैलाश शिवलिंग की। अभी हम हैं रिकांगपियो में और वहाँ पे हमारी जिमनी खड़ी है, ये माओ किम होमस्टे है। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रिकांगपियो। तो मैं यहाँ का सबसे पहले व्यू दिखा देता हूँ। और सेकंड डे हम यहाँ पे रुके थे माओ किम होमस्टे और आज है हमारा 6th डे विंटर स्पीति व्हाइट स्पीति का। तो अब हमारी घर वापसी है और पैकिंग हो चुकी है, बस अब गाड़ी में हमने सामान रखना है और निकल जाएंगे। लगभग 8 बज चुके हैं। ये पीछे का व्यू है और पिछली बार हमें मतलब कि ग्राउंड फ्लोर पे रूम मिला था, इस बार लोअर ग्राउंड फ्लोर पे मिला है। तो ये रूम है इस तरह से, सब पैकिंग हो गई है। चलो निकलते हैं, गाड़ी पे मिलते हैं। अपनी जिमनी की हालत दिखा देता हूँ, ये देखिए बर्फ जम गई थी ये। ये बर्फ है, ये जमी है बर्फ। बाप रे, ये देखो नीचे है। बर्फ जमी हुई है अभी भी, नीचे भी जमी हुई है। यहाँ के सांस में सांस आई है। काजा में तो सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ठंड थी वहाँ पे। तो बस अब फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ, आएंगे फिर निकलेंगे। हम निकल पड़े हैं रिकांगपियो से और इस समय जो वेदर का यहाँ पे है वो है -14। तो अभी तक हम -14 में ही चल रहे हैं डे 1 से। तो डे 1 हम रुके थे कुफरी में, वहाँ पे था -2 और काजा में था -28 और नाको में -26 और यहाँ पे है -24। तो कंटिन्यू यार अभी तक हम माइनस में ही हैं और अब रात तक हम प्लस में पहुँच जाएंगे, ये पूरी उम्मीद है। तो अब हमारा सफ़र जो रिकांगपियो से दिल्ली का शुरू हो चुका है। ये देखिए रिकांगपियो से व्यू, कितना शानदार व्यू है ये। तो ये अच्छा हिल स्टेशन है, अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं। ये माओ किम होमस्टे है, यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। बाकी आप रास्ते में बात करते चलेंगे आपसे और आज रात तक हम घर पहुँच जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दोबारा से हम चार्ट ऑन व्हील्स चैनल के सदस्य बीच में बैठे हुए हैं और अब आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए इसको बोलते हैं देवभूमि किन्नौर में ये TRT आउटफॉल। ये देखिए TRT आउटफॉल आपको दिखा रहे हैं
और ये देखिए ये पूरा का पूरा डैम बना हुआ है जिसका नाम है BASPA2 करचम डैम है। करचम डैम इसे बोला जाता है, करचम डैम। ये देखिए करचम डैम। हम अभी वांतू वाली रोड से जा रहे थे जो आप ये सामने देख रहे हैं। ये वांतू वाली रोड जो सीधा रामपुर जाती है वो आगे बंद है, और जब हम आ रहे थे इस तरफ स्पीति की तरफ तब भी ये बंद ही मिला था। तो ये वांतू वाली रोड आगे बंद है, अगर आप इस तरफ से निकलें तो ध्यान रखें एक आध दिन में, और एक आध दिन में ये खुल जाएगी। क्या हो सकता है एक दो दिन में खुल जाए। तो हमने अभी वहाँ से दोबारा से बैक करा है और रामपुर की तरफ उसकी अपोजिट साइड वाली सड़क के लिए चल पड़े हैं। मिलेंगे ब्रेक के बाद। नया अपडेट आपको करते हैं। ये देखिए ये ऊपर एक JCB चल रही है। यहाँ से हम पहले इस रूट से आ रहे थे और हमें पहले ही बीच में रास्ते में रोक दिया गया क्योंकि ऊपर से पूरा पहाड़ ये लैंडस्लाइड हुआ था। पूरा पहाड़ ये देखिए पूरा पहाड़ लैंडस्लाइड हुआ और ये नीचे गिर गया, इस वजह से ये पूरा रास्ता बंद है। तो हमें पहले ही रोक दिया गया था वहाँ पे रास्ते में, और हम अब ये इसके अपोजिट वाले रास्ते से जा रहे हैं। क्या हो गया हमारे सामने आप गाड़ियाँ जो देख रही हैं निकल रही हैं। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, ये 2-3 दिन में 4 दिन में शायद क्लियर हो जाएगा। तो आप इस रास्ते से अगर आना हो तो उस रास्ते को अवॉइड करें और उसके अपोजिट वाले रास्ते से आए। हम अब इस समय पहुंच चुके हैं, पहला जो स्टॉपेज आएगा नीलसगरी आएगा जो 25 किलोमीटर है, और उसके बाद रामपुर आएगा 45। पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखिए ये जो बने हुए हैं इसे बोलते हैं क्लिफ हैंगर। तो ये क्लिफ हैंगर जो है इसको बताते हैं कि क्या होता है। क्लिफ हैंगर जो पहाड़ बने हुए हैं इनको काट के रास्ता जो बनाया जाता है उसे क्लिफ हैंगर बोलते हैं। हम पहाड़ कटे हुए पहाड़ों के नीचे से निकल रहे हैं, ये जो रास्ते हैं ये पहाड़ों को काट के बनाए गए हैं, इसको बोलते हैं क्लिफ हैंगर। तो ये क्लिफ हैंगर है जो आपको दिखा रहे हैं। हमारे आगे आगे बस जा रही है, छोटा रास्ता है, कोई 10 फीट की सड़क है, इसके अंदर ये क्लिफ हैंगर बने हुए हैं। क्लिफ हैंगर का मतलब आपको बता दिया गया है कि ये पहाड़ों को काटा जाता है, सिर्फ काट के नीचे से सड़क निकाली जाती है, इसी कहते हैं क्लिफ हैंगर। हम गेटवे ऑफ किन्नौर से पहले खड़े हैं और ये देखिए पूरा जाम लगा हुआ है। कह रहे हैं यार रात को कोई बड़ा सा पत्थर आके गिर गया है, उसकी सफाई चल रही है और करीबन 2-3 घंटे हो गए हैं, अभी आधा एक घंटा और लगेगा हमें। तो वेट करने के अलावा कोई काम नहीं है, तो वेट करते हैं, जब साफ हो जाएगा फिर चलेंगे। तो दोस्तों ये पत्थर ये देखिए ये जो लैंडस्लाइड हुआ था ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लैंडस्लाइड अभी क्लियर हो गया है। ये लैंडस्लाइड जो है अभी क्लियर हुआ है, तो रास्ता खुल गया है और हम रामपुर की तरफ रवाना हो गए हैं। तो अब जो है जितना समय लगेगा उतना लगेगा। ये देखिए पूरा कच्चा रास्ता है और ये लैंडस्लाइड अभी क्लियर करा है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ने। तो अब हम निकल चुके हैं और वापसी रामपुर की तरफ, जैसे जैसे क्लियरेंस मिलती जा रही है। ये देखिए हम पहुँच चुके हैं रामपुर, और ये हमारे जाट ऑन व्हील्स के जो है डायरेक्टर हैं, और अब हम अपने पुराने ये सज्जन जी कैफ़े पे पहुंच चुके हैं, जहाँ जाते हुए भी हम रुके थे और अब आते हुए भी रुके हैं। इनका खाना बहुत ही बढ़िया होता है, ये सामने देख रहे हैं ये सज्जन जी। तो थोड़ी देर में गोलगप्पे खाने के बाद फिर दोबारा से मिलेंगे। हम फिर पहुंच गए हैं गोलगप्पे खाने यहाँ पे, और इतना स्वाद लगे हमें गोलगप्पे कि हम जाते समय फिर हमने कहा गोलगप्पे खा के जाएंगे, और हमने थाली का ऑर्डर दिया है साथ में गोलगप्पे। अब ये खा के हम निकलेंगे, सुबह से हमने हल्का फुल्का ही लाइट ब्रेकफास्ट किया था बस, तो खाते हैं। ये आ गई है थाली जिसमें राजमा है, आलू की सब्जी है, कढ़ी है, चावल है और ये रोटी है। बहुत ही बढ़िया थाली है, जस्ट 120 रुपीज़ में। अभी हम हैं सज्जन जी के टेरिस पे और यहाँ पे टेरिस कैफ़े बनने जा रहा है। ये देखिए पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और मैं व्यू दिखा देता हूँ आपको, ये रामपुर का पूरा व्यू सराउंडिंग। ये देखिए अब ये पूरा रामपुर सिटी है, और ये ट्राइबल रूम बन रहे हैं, कम से कम यहाँ 50-60 कमरे बनेंगे, गवर्नमेंट के हैं, फुली फर्निश्ड, 300 रुपये पर पर्सन कोई भी आके रह सकता है, लेकिन इसमें अभी 2-3 साल लगेगा। बंद हमने थाली खा ली है, गोलगप्पे खा लिए हैं, चाय बन रही है, चाय पी के सीधा चलेंगे नारकंडा, नारकंडा से शिमला, शिमला से दिल्ली। ये दाल येलो दाल मिक्स वेज और की करने 4-5 सोडे मंगा के रख दें बस। सोडे तो जरूरी है ना। नहीं ऐसे पूरे रास्ते सिर्फ ड्रिंक की थी, तो सिर्फ जितने डेस्टिनेशन पे पहुंच के नाइट हॉल्ट थक गए, दो दो पैग मारे
ਥੋੜਾ ਨੱਚੇ ਬਣਦਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੋ ਸੱਜਣ ਜੀ ਸੇ ਮਿਲਤੇ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ इनके पास दोबारा मिलने का मौका मिला बिल्कुल वेट करेंगे नेक्स्ट टाइम जून में आएंगे हाँ जून में आएंगे प्लानिंग है कि और गाइस कोई भी भाई इधर आओ रामपुर तो सज्जन जी के पास जरूर खाना कुछ भी हेल्प चाहिए इनसे ये सारी हेल्प कर देंगे जहाँ रुकना हो या कुछ भी हो इनके पास सारा कुछ जुगाड़ है तो आप हैं रूम्स भी है इनके पास सब कुछ है मतलब कि आप खाओ पियो रुको इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से चेक करके आप कर देना या फ्लैश कर दूंगा इनका नंबर तो चलते हैं अब तो रामपुर के पेट्रोल पंप पे ही हम पेट्रोल डलवा रहे हैं यहाँ पे प्राइस है 97.45 तो टैंक फुल करवा रहे हैं देखते हैं कितने का होगा लगभग 30 लीटर हमारा तेल आ गया है टैंक में 2,912.78 रुपये तो ये हाल देख लीजिए कितनी डस्टी हो गई डस्ट पूरी डस्ट वो कल तो पूरा आइस आइस जमा था अब तो आइस नहीं है फ्यूल डलवा लिया है अपनी जिमनी में हमने अपने पेटों में भी अपने शरीर में भी फ्यूल डलवा लिया है तो सारे फुल हो चुके हैं तो अब निकल पड़े हैं अपने डेस्टिनेशन पे दिल्ली के और ये है रामपुर ये देखिए सामने घर कितने सारे तो रामपुर से क्लाइंब शुरू हो जाएगी नारकंडा तक पूरी क्लाइंब है और नारकंडा से फिर डाउन हो जाएगा शिमला तक शिमला सोलन पूरा डाउन है उसके बाद गाइस हम नारकंडा पहुंचने वाले हैं नारकंडा यहां से लगभग 6 किलोमीटर रह गया है और बर्फ के दर्शन दोबारा हो गए हैं हम पीछे काजा पे बर्फ को छोड़ आए थे और वापसी बर्फ हमें मिल गई है नारकंडा में और ये उतरते जाएंगे कुफरी कुफरी और शिमला में भी हमें बर्फ़ मिलने वाली है शिमला से उतर जाएंगे तब हमें बर्फ़ से छुटकारा मिलेगा हमें कहीं से 6 फुट की बर्फ़ मिल जाए तो हम उसमें कूदे ही लगाएंगे क्यों भाई साहब आपका क्या ख्याल है बिल्कुल ढूंढ रहे हैं 6 फिट कहीं मिले तो जंप, हम जंप लगाए उसमें जंप लगाएंगे तो भाई किसी को पता हो 6 फुट बर्फ़ कहाँ होती है तो प्लीज़ हमें भी मैसेज करके बता देना हमने जंप लगानी वहाँ पर तो ये व्यू देख लीजिए नारकंडा का पजेरो पजेरो अभी भी चल रही है देखो कितनी बर्फ है अभी भी हम पहुंच गए हैं नारकंडा और ये देखिए स्नो ज्यादा स्नो की ओए होए होए सारी गाड़ियां स्नो में कल हुई है ये स्नो ताजी ताजी ये देखो अम्बाला 209 शिमला 64 थियोग 33 किलोमीटर तो वेलकम टू नारकंडा तो वहीं आ गए हैं नारकंडा में सामने वो मंदिर है यहाँ लगा दे कोने में आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं आज तो अभी आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त स्नोफॉल हो रही है यहाँ पे अभी भी जो है आज भी प्रेडिक्शन है आज रात को भी शायद स्नो हो होगी अभी लाइव हम चेक कर रहे थे इट इज स्टिल चांसेस हमने अभी कुफरी को क्रॉस कर लिया है और ये देखिए आइस जो नारकंडा से शुरू हुई थी अभी तक कंटिन्यू चल रही है तो कल भी आई थिंक स्नोफॉल हुई है याक ये सामने याक ये देखिए लोग फोटोग्राफी करा रहे हैं याक के साथ बेचारे बने बैठे हुए 4:30 हो गए हैं और अभी तक हमने शिमला को क्रॉस नहीं किया है 1 घंटा कम से कम लगेगा शिमला को क्रॉस करते करते 1-1.5 घंटा उसके बाद ही 1-1.5 बजे पहुँचेंगे हाँ रात को हमें कम से कम 1 बजे जाएगा 12-1 बजे तो गाइस हम अभी शिमला को क्रॉस कर रहे हैं इससे पहले नारकंडा फिर कुफरी अब ये शिमला आ गया है तो वो टनल जो थी वो तो बंद कर रखी है पता नहीं किस कारण से बंद कर रखी है और अब ये बाईपास से जा रहे हैं अलग रास्ता है बिल्कुल ये थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें ट्रैफिक कम हो जाता है ये देखिए सामने ऊपर पूरे माल रोड सब ऊपर है सब और ये पूरा रास्ता शिमला का तो गाइस हम पहुंच गए हैं शोगी और ये हमारी जिमनी होगी पार्क तो हमारे फ्रेंड्स हैं शोगी में मैं मिलवाऊंगा उनकी अपनी शॉप है
ढाबा है यहाँ पे शोगी में, शिमला से थोड़ा सा आगे जाके ये पूरी मार्केट है शोगी की, श्री राम ढाबा शोगी। और ये सुधीर भाई हमारे, वेलकम। और सुधीर भाई बढ़िया बढ़िया एकदम, चलो बैठते हैं। सुधीर भाई ने हमारा वेलकम किया है जलेबी के साथ। तो भाई कैसी है जलेबी? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, एक नंबर, एक नंबर की, और बिल्कुल गर्मा गर्म जलेबी है। ये है खाने का बड़ा आनंद आ रहा है, मजा आ गया। कई सालों बाद खाई मैं जलेबी, खाता नहीं। सुधीर भाई के यहाँ हमने खाए पकोड़े, जलेबी और बेसन की बर्फी, सारी अल्टीमेट आइटम थी। तो बड़े प्यार से सुधीर भाई ने हमें खिलाया पिलाया, तो हमने पैक भी करा लिया है। तो अब हम विदा ले रहे हैं सुधीर भाई से। ठीक है सुधीर भाई, ओके भैया, आराम से जाओ। चलो बढ़िया, फिर मिलते हैं, फिर दिल्ली आओ तब मिलना। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। मेरा कौन सा ये आती है? अच्छा, ये हमने पैक भी करा लिया। चलो चलो ठीक है फिर, ओके ओके। ये इनकी दुकान है श्री राम ढाबा, श्री राम ढाबा। हाँ। जरूर आइए, जब भी आए सोगी से होते हुए जाएं और श्री राम ढाबा पे जलेबी खा के जाएं, जलेबी और चाय खा कर जाएं, पी कर जाएं। हाँ ओके, बाय बाय बाय। सोलन से लगभग उतर चुके हैं और ये मान फिलिंग स्टेशन है यहाँ पे इंडियन ऑयल का। यहाँ पे हमने अपनी जो टायर के हवा पूरी कराई है 27 पॉइंट, क्योंकि हमने जब ऊपर जा रहे थे काजा से ऊपर, वहाँ पे हमने इसकी टायर की हवा कम कर दी थी लगभग 20, 19, 20, लेकिन अब चेक करा किसी में 13 है, किसी में 20 है, किसी में 15 है, सब अनबैलेंस चल रहा था। लेकिन अब पूरी प्रॉपर हमने हवा भरवा ली है 27.26 ऑथराइज है, लेकिन हमारे लोड ज़्यादा तो 27 करवा लिए, 28 भी करवाते कोई दिक्कत नहीं थी। तो गाइस अभी तक का व्लॉग आपको कैसे लगे? सारे व्लॉग आप प्लीज़ देखना, बहुत मज़ा आएगा आपको। दिल्ली से पूरा काजा, काजा से वापसी दिल्ली। और कोई भी क्वारी हो, कुछ भी पूछना हो, तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो हम पहुँच चुके हैं करनाल हवेली, और अभी हमने ब्रेक लिया है अम्बाला क्रॉस करने के बाद। हमारा लास्ट जो ब्रेक था वो पंचकुला के पास, सोलन के पास में था, और हवेली हम पहुंच चुके हैं करनाल। अभी हम डिनर करेंगे। तो इधर हम आपको दिखाने वाले हैं रेगिस्तान का जहाज। ये गुलाब जी हैं, ये वेद प्रकाश है, ये लांबा है, और ये मैं हूँ। तो हम पहुंच चुके हैं करनाल हवेली डिनर करने के लिए। ये देखिए रेगिस्तान के जहाज भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे रेगिस्तान के जहाज भी हैं, और वो आपको भगवान भला करे स्पीति के जहाज भी हैं। ये रेगिस्तान का जहाज है, ये स्पीति का जहाज है, और ये हम आप एंट्री करने लगे हैं। डिनर करने के बाद फिर हम यहाँ से चल देंगे नॉन स्टॉप दिल्ली के लिए। तो ये हम अंदर हैं इस समय करनाल हवेली के अंदर, और ये यूट्यूबर के हमारे जाट ऑन व्यूज के डायरेक्टर साहब फोटो खिंचवा रहे हैं। और ये देखिए, ये है हम इस समय हवेली के अंदर, हवेली हवेली जो करनाल में है। अब यहाँ से सीधा हम निकलेंगे, और निकलने के बाद सीधा के सीधा हम दिल्ली पहुँच जाएंगे। रात के 1 बज गए हैं और हम पहुँच चुके हैं दिल्ली नरेला, और बॉर्डर अभी भी क्रॉस किया है, और ये हमारा फर्स्ट स्टॉप आ गया है, और फर्स्ट पैसेंजर को हम सी ऑफ कर रहे हैं, मिस्टर गुलाब सिंह खत्री। तो कैसा लगा हमारा सफ़र? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आया। ठंड में बड़ा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। चलो बढ़िया है, एंजॉय होना चाहिए बस। हाँ बस, ये अभी अपना सामान सेट कर रहे हैं सूरी जी, तो बस अब चलेंगे नेक्स्ट पैसेंजर को ड्रॉप करेंगे, फिर थर्ड पैसेंजर को ड्रॉप करेंगे, फिर सीधा घर जाएंगे। 1:30 बज चुके हैं और अब हम पहुँचे हैं सेकंड स्टॉप जो उत्तम नगर है, और वेद भाई को यहाँ पे हम ड्रॉप कर रहे हैं। और ये रहे वेद भाई, अपना सामान निकाल रहे हैं। चल भाई, मज़ा आया? अरे क्या बात कर रहे हैं, ऐसा ट्रिप मैं कह रहा हूँ
लाइफ टाइम अचीवमेंट ये तो मतलब कि एक हमने समर में किया था और एक अब ये विंटर में किया है, तो वाइट स्पीति भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अरे ये तेरा डब्बा, एक तूने भी तो लिया था। अच्छा अच्छा हाँ मैंने लिया तेरा, लेकिन वो मेरे बैग में ना डाल दियो, मैंने बोला था मेरे बैग में डाल देना, पता नहीं डाला नहीं। चेक कर ले, है मेरे बैग में है मेरा। ठीक है, अच्छा ये मेरा है। ओके बाय बाय, गुड लक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ठीक है, तो फाइनली हमारा लास्ट स्टॉप जो विकासपुरी है, हमारे सूरी भाई का स्टॉप है ये, यहाँ पे हम अब सूरी भाई को ड्रॉप कर रहे हैं। तो सूरी जी, हाँ जी, हेलो, दो शब्द बोलिए अब। देखिए, दिस इज़ द वेरी एक्सलेंट ट्रिप, बहुत बढ़िया ट्रिप था हमारा। ये जो हमने 6 रातें गुजारी हैं अपना जो लाइफ टाइम अचीवमेंट है काजा स्पीति के ट्रिप में, वो लाइफ टाइम की अचीवमेंट है। दुनिया में बहुत कम लोग होंगे जो स्पीति काजा में विंटर के समय में इस ट्रिप पर गए होंगे, और हम इस ट्रिप को कंप्लीट करके और वापस पहुंचे, एंजॉय करके आए हैं, एंजॉय करके आए हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। कोई भी मेरा न्यू व्यूअर्स है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो एट लास्ट दोस्तों, राइड हार्ड, राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद, सायोनारा। और